एक आम आदमी के खिलाफ कोई अगर अपराध करता है, वो आदमी अपनी फरियाद लेके कहाँ जाएगा? उसके पास कौन-कौन से विकल्प हैं? एक आम आदमी के खिलाफ अगर कोई अपराध करता है तो आदमी 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस को फरियाद कर सकता है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा चैप्टर 12 में एक व्यवस्था दी गई है पूरा स्टेप वाइज कि क्या क्या एक आदमी कर सकता है। जिस क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को वह जाके अपना अपराध के बारे में लिखित सूचना देगा। अगर वह लिखित सूचना नहीं दे पाया, अनपढ़ है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि वह पुलिस अधिकारी जो थाने में उस समय मौजूद है वह उसको लिख के उसके बिहाफ पे लिखेगा और उसका अंगूठे का निशान या अगर सिग्नेचर कर सकता है तो सिग्नेचर को लेगा और उसे पढ़ के सुनाएगा। और उसकी एक कॉपी, चाहे लिखित में सूचना दी गई है या मौखिक सूचना दी गई है जिसको पुलिस अधिकारी ने लिखा है, दोनों परिस्थितियों में उस अपराध के संबंध में दी गई सूचना की एक प्रतिलिपि इस व्यक्ति को दी जाएगी। पहली बात तो यह है। महिलाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है कि अगर किसी महिला के विरुद्ध अपराध होता है, जैसे 326 आईपीसी, 354 आईपीसी, 509 आईपीसी, 376 आईपीसी, तो इन चारों धाराओं में अगर कोई अपराध होता है तो उस महिला जब फरियाद करने जाएगी तो उसको उसका जो एफआईआर लिखने का काम या लेने का काम सामान्यतः महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। फिर एक और व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग से की गई है कि अगर महिला कोई विक्षिप्त है और जो समझ नहीं पा रही है तो उसको उसके घर जाकर या उसके च्वाइस के किसी स्थान पर जाकर वह फरियाद लिखा जाएगा। और अगर किसी दुभाषिये का, क्योंकि महिला विक्षिप्त है, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो उसकी बात को कहने के लिए अगर किसी की मदद की आवश्यकता हुई तो उसकी मदद भी ली जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसको 164 में किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके उसका बयान भी दर्ज कराया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था 154 सीआरपीसी में दी गई है कि कभी अपराध होने पर एक सामान्य व्यक्ति या अपना इस प्रकार से अपने बात पुलिस को कहेगा और फिर पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगी। पर अगर आदमी मान लीजिए पुलिस के पास गया और पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी, उसका फरियाद नहीं सुनी, तो फिर उस आम आदमी के पास कौन से रास्ते हैं? एक रास्ता तो 154 सीआरपीसी में ही बताया गया है कि अगर वह उसकी बात पुलिस नहीं सुन रही है या उसके कहने पर मुकदमा दर्ज पुलिस नहीं कर पा रही है तो वह उस जिले के पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत डाक द्वारा या खुद जाकर दे सकता है। लेकिन यह भी स्थिति हो सकती है कि वह इसके बावजूद भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो सीआरपीसी में भी एक व्यवस्था 156(3) सीआरपीसी में दी गई है कि 156(3) सीआरपीसी के अनुसार वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपनी बात कह सकता है। और यहाँ न्यायालय के सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि अगर मामले में अनुसंधान की आवश्यकता हो तो न्यायालय तत्काल पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि आप इस व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का एफआईआर दर्ज करें और दर्ज करके जांच करके रिपोर्ट दें। तो यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज हो रहा है वह न्यायालय के आदेश पर दर्ज होगा। दूसरा विकल्प उपलब्ध है कि अगर जो फरियादी है उसने पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं तो न्यायालय पुलिस को आदेश नहीं देगी और खुद उस मामले में संज्ञान लेके आगे की कार्रवाई करेगी और फरियादी से कहेगी कि आप अपने समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या कोई गवाह लाना चाहते हैं तो आप लेके आए और उन दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ेगा और जो दोषी व्यक्ति होगा उसको समन किया जाएगा कि आप न्यायालय में आए और अपना पक्ष रखें। और अगर पक्ष रखने के बाद वह दोषी पाया जाता है तो उसके अनुसार
कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी न्यायालय द्वारा। पर अगर फरियादी को लगा कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है पर क्रिमिनल्स के साथ जाके मिल गई है, तब उसके पास क्या उपाय है? सामान्यतः सीआरपीसी इस पे चुप है, लेकिन व्यवहार में यह व्यवस्था है कि अगर मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया और अनुसंधान जारी है और इस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि पुलिस अभियुक्तों के साथ मिल गई है, तो इस अवस्था में अपनी चिंता प्रकट करते हुए यह न्यायालय में एक आवेदन दे सकता है वह पीड़ित व्यक्ति, जिसको सामान्य भाषा में प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। प्रोटेस्ट पिटीशन मींस कि जो अनुसंधान चल रहा है या पुलिस जो अनुसंधान कर रही है इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट। अगर सचमुच में अनुसंधान के बाद ऐसा होता है कि अभियुक्तों को छोड़ देती है पुलिस, तब इसके प्रोटेस्ट पिटीशन पर कार्रवाई सुनवाई होगी और सुनवाई के पश्चात जैसा भी होगा वैसी कार्रवाई कोर्ट करेगा। तो एक विकल्प यह है, अगर यह होता है कि इसकी शंका निर्मूल साबित हुई और पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दिया या अभियोग सही पाया, तो फिर इसके प्रोटेस्ट पिटीशन चूंकि शंका पर आधारित था, अनुमान पर आधारित था इसका कि ऐसा हो सकता है, तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। एक और भी व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए कि जो पीड़ित है वो कहीं दूर रहता है और उसको यह समझ पाने या देख पाने की गुंजाइश नहीं है कि पुलिस सचमुच अभियुक्तों से मिल गई है या नहीं मिली है या अनुसंधान ईमानदारी पूर्वक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी एक सीआरपीसी में व्यवस्था हो गई है कि अगर मान लीजिए कि अनुसंधान के बाद पुलिस कहती है कि नहीं मामला सही नहीं है, जो पीड़ित ने FIR दिया था वह गलत हुआ है, तब न्यायालय के सामने जब रिपोर्ट जाएगी पुलिस की, तो न्यायालय इस व्यक्ति को बुलाएगा पुलिस के रिपोर्ट को स्वीकार करने के पहले कि पुलिस ने आपके द्वारा दिए गए FIR को जांच किया है और जांच करने के बाद आपकी बात सही नहीं पाई गई है, अब आप बताइए कि यह पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया है वह सही है कि नहीं। अगर वह व्यक्ति यह सिद्ध कर पाता है कि नहीं पुलिस का जो रिपोर्ट था वह सही जांच है और सही तरीके से नहीं हुआ, अगर सही तरीके से होता तो अभियुक्त छूटते नहीं या मामला अभियुक्तों के विरुद्ध बनता, तब न्यायालय अभियुक्त के पीड़ित व्यक्ति को कहेगी कि आप बयान दीजिए और साक्ष्य दीजिए, और फिर बयान और साक्ष्य देने के बाद अगर मामला बनता है सचमुच में तो अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। एक और व्यवस्था शुरू हुई है जो सामान्यतः इस आपके प्रश्न से थोड़ा हटके है कि CRPC 154 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी थानेदार को के संज्ञेय मामले में किसी थानेदार के थाने में जाके मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है कि अपराध किस थाना क्षेत्र में घटित हुआ, उस परिस्थिति में भी एक 0 FIR की व्यवस्था की गई है कि FIR मिलने पर संज्ञेय अपराध के बारे में अगर कोई FIR मिलता है, यहाँ फिर बता दें कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दो प्रकार के अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध कुछ गंभीर प्रकृति के होते हैं जिसमें अनुसंधान की तात्कालिक अवस्था होती है, और असंज्ञेय अपराध उतने संज्ञेय प्रकृति के नहीं होते हैं। तो संज्ञेय अपराध में अगर कोई सूचना पुलिस को दी जाती है किसी व्यक्ति द्वारा, तो उस और क्षेत्राधिकार सुनिश्चित नहीं है कि जिस पुलिस थाने में सूचना दी जा रही है क्या घटना उसी पुलिस थाने में हुई है या किसी दूसरे में हुई है, तब भी यह 0 FIR की व्यवस्था है कि वह पुलिस अधिकारी उसको FIR को लेगा, जांच शुरू करेगा, अगर उसको यह पता चलता है कि नहीं दूसरे क्षेत्राधिकार की घटना है तो वह उस क्षेत्राधिकार के थाने को उसको ट्रांसफ़र कर देगा ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय हो, पीड़ित व्यक्ति को एक थाने से दूसरे थाने तक दौड़ना नहीं पड़े। तो यह भी व्यवस्था न्याय में व्यवस्था में की गई है। अगर यह लगता है कि कुछ अपराध एक मामले में हुआ है जैसे और कुछ अपराध दूसरे मामले में हुआ है, जैसे चोरी किसी एक थाने क्षेत्र में हुई और रिकवरी किसी दूसरे थाने के क्षेत्र में हुई, तो फिर दोनों थाने के किसी भी क्षेत्राधिकार में मामला दर्ज कराया जा सकता है। तो FIR के बारे में मोटा मोटी यही व्यवस्था है और जिस पे
अनुसंधान चलता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाता है। धन्यवाद।